गो बैक टू इंडिया। गाइस एक बार फिर से हम पूरा घूम चुके हैं और कविता गायब है। कविता हमारे यहाँ बूढ़े ताश खेलते हैं, यहाँ पे चेस खेलते हैं। बेचारे इन भैया की शक्ल देखने लायक है, क्योंकि ये इतने सारे बैग लेके आ चुके हैं, इन्हें लग रहा है अभी वापस से मुझे रखने पड़ेंगे। गो बैक टू इंडिया। उसको पता नहीं कि हम लोगों ने भी ऐसे ही हमारे साथ कुछ कुछ होता है। हम लोग गलत उस होटल में आ गए हैं बाकू में, और कोई दिक्कत नहीं है, विंडम बाकू में जाना था, विंडम गार्डन में आ गए, गार्डन घूम लिया, बाकू चले जाएंगे। Once again, ये ऊपर से अच्छे हैं, हम गिर गए हैं। चलो यहाँ तो फंस भी सकते हैं, ये तो हमारे पार्क में लगे होते हैं ऐसे गेट। लगेज आ गया है और हम सबसे पहले क्या करें, खाएं? हाँ, खाने वाले हैं पहले कुछ, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। गाइस वी आर गोइंग फॉर द सिटी टूर। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आने पड़ती है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो। बहुत प्रयास किए फोटो लेने के आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स। किसको ढूंढ रही हो आप? किसको ढूंढ रही हो? मैं तो ड्राइवर को ढूंढ रही थी। ड्राइवर सॉरी गाइड। अरे तो इंडिया मॉल में घुसे हैं गाइस, मॉल में घुसते ही पता चला ये ऊपर से पाइप आ रही है ऐसे, एलिवेटर से उतरने की जरूरत नहीं है। इस मॉल में एलिवेटर से उतरने की जरूरत नहीं है, सीधा पाइप से नीचे आ जाओ। सच कूल श्रग्स यार, आई बाय दी श्रग्स। कितने की शॉपिंग हुई है टोटल? 88 मनत। 88 मनत, हाउ मेनी रुपीस? लेट मी टेल यू 88 इंडियन रुपीस ना, एक सेकंड, 88 इंडियन 4400 की शॉपिंग कर ली मैंने। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, इनको बोलो खाने को जो है वो दे दो। ये पता नहीं कैसा लिख दिया, सुनना। हाँ वैसे लिख दिया उन्होंने ट्रांसलेटर की मदद से। ये पूछा उससे भाई कुछ वेज में है क्या, दिखाना। यहाँ पे हमने पिज्जा पढ़ लिया और हम इसी उम्मीद से हैं कि या तो हमें कुछ वेज खाने को मिलेगा, क्योंकि इसलिए तो हमें बड़ा निराश किया है गाइस। लेट्स गो फाइंड आउट। सो वी हैव ऑर्डर्ड पिज्जा समहाउ, वेज पिज्जा। मेहनत से क्रैक कर लिया है कि वेज पिज्जा कैसे ऑर्डर करते हैं। एंड ही सेड, क्या कहा था उसने? नो वेज मींस no chicken, no beef, vegetarian। तो भाई बिल्कुल ही अच्छा, ये यहाँ पे vegetarian इंग्लिश नहीं आती, फिर वो बिल्कुल ही है चुच्चे बने कर देता है, फिर वो ऐसे सब्जी दे देंगे, सब्जी भून के दे देंगे। आ गया ओए पिज्जा, आ गया वेज में। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1 बज रहा है, सोचो हम कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं, आज रात के 1 बज गए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ना, 26 घंटे। फिर एग्जॉस्टेड लाइक हेल, फिर भी हम चल रही है हमारी गाड़ी।
सुबह 11 बजे तक ही ब्रेकफास्ट मिलता है और देखते हैं उठते हैं कि नहीं. दिस विल बी अ टास्क. गुड नाइट. बाय द वे गुड मॉर्निंग टू माय व्लॉग. ये गर्म पानी हम लोग पी रहे हैं. कल रात की जितनी टट्टी फोटोज आई है ना भाई कभी नहीं आई होगी ऐसे. मतलब क्या फोटोज आ रही है भाई. क्या लाइट नहीं थी ना. पोजेस तो यार ठीक है. ये बता एक लेवल के बाद तो मैंने गिव अप कर दिया कि भाई नहीं आ रही फोटोज. व्यू एंजॉय कर लो पैसे लगा के. यही करूंगी आज भी. ये कह रही है सारी बसर इसके बालों की है. यस, क्योंकि इस लड़की ने बाल कटवा लिए. और मैंने एक लेसन लर्न इन माय लाइफ कि ट्रिप से पहले कभी भी ना हेयर कलर लो ना हेयर कट लो ना. क्योंकि नए बाल कैसे होंगे. हाँ. कैसे मैनेज कर पाओगे नहीं पता. तो मैंने एक बार कलर के साथ में भी बकचोदी करके देख ली. एक बार ही कटिंग के साथ में भी. नाउ आई एम नॉट गोइंग ऑन एनी वेकेशन. ये सब करवा कुकीज ब्रेड वेजिटेरियन फ्रूट्स. लेट मी चेक और क्या क्या है बैग. हाँ वेजिटेरियन फ्रूट्स बेबी. स्ट्रॉबेरी जैम हनी व्हाइट चेरी जैम येलो रेजिंस बटर मायोनीज ब्लैक ऑलिव ग्रीन ऑलिव ककम्बा बॉइल्ड एग. दिस इज वेजिटेरियन सॉसेस राइस विद वेजिटेबल्स. यार वेजिटेरियंस का जीना मुश्किल है भाई. बस एक बात बोलो टेप ले ना टेप ले इनके भाई टेप ले बचा के रखो भाई. फिर भाई इसने ना ये जामुन समझ के जामुन नहीं ग्रेप्स हाँ अंगूर समझ के इसने थाली भर ली. फिर मैं आई थाली तो नहीं भरी इसको क्या समझ लेती बेन. फिर गाइस ये When you date a desi girlfriend, चाय के साथ में जूस बोले फ्री मिल रहा है तो इंक्लूडेड है तो सब खाऊंगी. भी दूध भी है. दूध चाय जूस दही भी. बदतमीजी है भाई. क्या है सब ले आई हुई है. जो भी वेजिटेबल मिलेगा उसको खाएगा. ये कभी गाय जी ना ये चॉकलेट उसको लूज कर रहे हैं. बड़ी मेहनत से मैंने कुछ तो बना लिया ब्रेड के ऊपर केला न्यूटेला हनी. लेकिन ये बेचारी को पेडिग्री खानी पड़ रही है. देखा पेडिग्री दूध में भिगो के लाई है. I was missing my pet. तो उसकी याद. और इतनी देर से क्या प्लान बना रही है. ये वाला मैं लेके कैसे जाऊँ यहाँ से. पॉकेट है मेरे इसमें. साफ लेके जाओ. अभी खुद ही तो बोल रही थी कि मना क्या हुआ है. ये डराती है. गाइस हम जस्ट ब्रेकफास्ट करके आए. इनके हस्बैंड से इनकी शाम को छोटी मोटी होती रहती है कपल्स में फाइट. तो हो गई होगी. इन्होंने उनसे स्टोरी हाइड कर ली है और अब उन्होंने जो स्टेटस लगाया है दिखाना दिखाना. जस्ट कपल थिंग्स गाइस. उन्होंने स्टोरी लगाई है. पूछो क्यों आजकल खामोश रहते हैं. तुम समझ नहीं पाओ. मैं समझा नहीं पाऊं. गाइस नीचे लिखा है चुप रहना भी जरूरी है. भाई तो डूब मत जाइयो. भाई बॉटम डबल जैसे उस बच्चे ने करा हुआ ना ऐसे पकड़ ले. डूबेगी तो मैं पकड़ लूंगी तेरे को. ऐसे पकड़ूंगी तो क्या देख लो. मैं डूबूंगी तो नहीं. हां नाइस. ऐसे छोड़ ले. मनी दिस इज बैंक ऑफ बाकू. सी 1.69. Okay.
हमारे तो पार्किंग वाला दीदी का ना बग लेते हम यहाँ पे गड्डी मिलेगा। कारपेट ऐसे बनती है, ऐसे ये बनती जाती है। ऊपर आए चढ़ के सीढ़ी से, ये बंद, यहाँ से लिफ्ट बंद, वो बंद, रास्ता है वहां से नहीं ना, इंडिया में होते ना तो यहाँ से निकल के अपन फिर भी देख के आते, ये बगल में रास्ता है ना लेकिन इंडिया नहीं है गाइस। गाइस तीन जने चार जने साथ तो ही होता है। कविता घूम गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ से आई आई बोल रही है, पता कविता कहाँ है ये पेंटिंग तो पक्का व्लॉग बना रही थी, कुछ और करके आई है अंदर है। क्या कार से गाइस, लेकिन फोर्टून, हम पूरा घूम चुके हैं और कविता गायब है। कविता ढूंढ रही इसमें गाड़ी, कार खड़ी, कविता उधर तक कार है, लॉक हो, तुम एक कवर कर रही हो। अरे नहीं रही यार, वीडियो बना रही थी। साहिब तो मैं पिक्चर, यू नो मी पिक्चर, ये लड़की इनको फोटो नहीं लेने दे रही है, वहां जाके ट्राइपॉड लग। So we met a guy. He's saying he has this car, man. Wow. I said let's be friends. So where are you from? From Hungary. Hungary. Guys, वो देखो. Orange dress, orange बाल. ये क्या है ये सब? हाँ? नीला पहना है, नीले बाल नहीं है. Guys वो मिल गई. भाई मुझे पता भी नहीं है मेरा फोन इतना zoom हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. But छोटी सी लड़की वही है वो। तुम्हारी देखो यहाँ की बस ऊपर से खुली हुई है, यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम मैंने दूर से पढ़ा था, हैदराबाद बिरयानी है ना, वी आर गोइंग देयर। वेरी वेरी गुड लंच और डिनर, आई डोंट नो व्हाट वाज दिस बट ये बहुत मज़ा आया खाते। बट एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे साथ आई हुई अनुष्का शर्मा, विराट कोहली के हस्बैंड, विराट कोहली के हस्बैंड, गलती से मुंह से निकल गई इनके। बट मैंने इसको बोला यार तुम्हारी शादी की फोटो दिखाओ ना ऐसे रैंडम। कविता अगर आपको नहीं पता है तो लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा की वाइफ है, लेकिन मैंने इसको बोला फोटो दिखाओ तो इसने बोला गूगल से दिखा रही हूँ क्योंकि इंटरनेट ऑब्वियसली ग्लोबिंग में कि हमारे पास फोटो लेके आई, आर्टिकल था पूरा न्यूज में, 10 बेस्ट वेडिंग फोटोज फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 10 बेस्ट फोटोज फ्रॉम द वेरी ड्रीमी वेडिंग ऑफ कुणाल वर्मा, लिरिसिस्ट कुणाल वर्मा ये टाइम हो रहा है यहाँ पे, कितना बज रहा है भैया? 7
सिक्स और भाई इतनी गर्मी है. ओह आई लव द रेयर. भाई ये क्या है, काला जादू कर रहा है. गीतांजलि ने पूछा इसको टाइप करके, हाउ टू आस्क एन अजरबैजानी गाय फॉर अ कॉफी डेट. वो टाइप करके बंदा बता रहा है कि नो नो गाय, नो गाय सिर्फ कॉफी है. क्या पीते हैं? यस यस लेमन टी. कि हाउ टू आस्क अजरबैजानी गाय लेमन टी. गीतांजलि इसको भी पसंद है क्या? Enjoying with us or you are getting bored with us? She's asking, are you enjoying with us or getting bored? He is taking too long to answer that. बोले अरे यार, वो तो रहूँ बोर. He is retired from a retired special force. Special force. Oh, किया दिया है reply. Having fun. Oh. So cute. ये तो उसको नीचे से अच्छे से normally पकड़, कुछ नहीं कर रहा है वो. Please. Hello. बस. तो हम लोग घूम चुके हैं ओल्ड सिटी ऑफ बाकू एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर निजामी स्ट्रीट. ये देखो गली के कुत्ते कितने सुंदर है, इनको पालते हैं हमारे वहाँ ब्रीड समझ के. कुछ तो पूछा इसने. क्या पूछा तुमने? उसको एक वर्ड तो समझ में आता होगा जो मैं अभी बोलूंगी, तो मैं बोलने नहीं चाहती. क्या बोलेगा, सोचेगा क्या? सो आई आस्क्ड हिम फॉर द डेट, कॉफी डेट, एंड ही सेड यस कल चलेंगे. जू नहीं आ रहा है. कैपुचिनो, बटर स्कॉच फ्रैपे. मेरा जी खराब हो गया गाइस, उल्टी पड़ने को हो गई. और हमारे यहाँ बूढ़े ताश खेलते हैं, यहाँ पे चेस खेलते हैं. ये वाला सीधी स्ट्रीट कॉर्न. देखो गाइस, टूर गाइड से लगी पड़ी बातों में. हम इसको ढूंढ रहे हैं कि भाई हम ये दे देंगे इसमें, फिर नहीं मिली ये. कविता, ये ढूंढ रहे थे हम तुम्हें. गाइस ये जो समंदर है ना, इसके अंदर से तेल निकलता है. तेल की माइनिंग होती है, ऑयल माइनिंग होती है, इसलिए इतना क्लीन नहीं है. जॉर्जिया वाले बहुत क्लीन है. गाइस फाइनली इसको काम मिल गया है यहाँ पे दूसरे देश में आकर. इतने दिन से ट्राई कर रही थी, अभी तक सिर्फ रील बनाती थी. फाइनली ये पाकिस्तानों की फोटो खींच रही. कॉफी तो अच्छी मिली नहीं थी तो हमने सोचा कि हम खाएंगे टर्किश आइसक्रीम. गाइस वहाँ से घूम घाम के हम यहाँ आ गए हैं. आई डोंट नो कहाँ आ गए, लेकिन हम कल लोग करने वाले हैं स्कूटर राइड. हमें पूरी पार्किंग मिली थी, मौसम तो इतनी पॉपुलेशन है यहाँ बाकू में, इतनी पॉपुलेशन. फिर हम वहाँ गए उधर बिल्डिंग के वहाँ पे करिए पार्किंग सी है उधर, और हम यहाँ पे स्कूटर चलाएंगे. भाई यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, कुत्ते ऐसे घूमते अपने मालिक के साथ, कोई पट्टा नहीं कुछ नहीं. करीब 600 मीटर चलने के बाद नो स्कूटर अलाउड पता चल रहा है हमें यहाँ पे. हमारी माँ से यहाँ तक सांसें फूल गई कि यार इतना पैदल चलना पड़ रहा है. क्या बोल रहे हो? कह रहा है कि नहीं अलाउड. लेकिन दूसरे लोग कैसे चला रहे हैं मैं पूछ ही जा रहा हूँ. उनके मुझे लगता है पर्सनल होंगे, खुद के घर से लाए शायद. दे पर्सनल स्कूटर. ओह सॉरी. ओके मैसेज सेकंड लगे किसी को गया. हमारा बात करने का जरिया ये भी ले. तू कैसे बात करते हो? ऐसे बात करते हैं इंग्लिश और ट्रांसलेट. ड्राइविंग, राइडिंग, हेयर. देयर एम्प्लॉइज. नो द किड्स, किड्स स्मॉल किड्स. क्या है उस साइकिल में दो स्टेयरिंग है. देखो मैं दिखाती हूँ.
जैसे कि ये दोनों चला रहे हैं, है ना, ये दो लोग चला रहे हैं, इसमें से एक स्टीयरिंग घूमता है, एक नहीं घूमता है। उसको साइकिल नहीं चलानी आती, उसके घूमने वाला स्टीयरिंग आ गया और इसके सामने आ गया जो घूम नहीं रहा स्टीयरिंग, तो वो उसको गाली दे रही है कि चलाना आती है मुझे चलानी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कैरी दैट वेट हमारा प्लस रिक्शे का। इंग्लिश में बोलने से कुछ नहीं होता, नहीं आती है गाइस, ज्ञान बना रही है, जा रही है व्लॉग में। एल्विन में हमको चल रही साइकिल, एल्विन always work like a god. धक्का मारा फिर इनकी गाड़ी चली है, मैं तो मस्त घूम के आई भाई, मेरे को इतने मजा आए, मेरे को मजे आने के बाद में आए फिर आगे चल गई, वो स्पेशली फुहारे वाली जगह से ऐसा लगा था पानी फूक रहा है। चलो अब घर चलते हैं 12 बजे की, ये ओ इट्स मूविंग, इट्स नॉट मूविंग, चढ़ाए खुद को घोड़े में। हैप्पी बर्थडे गीतांजलि, अब आगे बर्थडे वन मनी, अरे बना तो यार। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे शुरू हो गया, लेकिन हैप्पी बर्थडे बोला इन लोगों को क्या चूल्हे रबड़ बैंड लेने रात के 10:30 सुपर मार्केट ले आए, बट नया एक्सपीरियंस है, हम रोज रोज थोड़ी बापू आते हैं। अभी सुबह पता क्या बोल रहे हो, सुपर मार्केट जरूरी है क्या, हम लोग सारे दिन ही चलते रहे, हम बैठ भी तो सकते हैं। हाय, ओ गॉड, खीरा गिर गया भाई, ले ले बेटा, ले ले उठा ले भाई, तेरी आंखें कहां से आ, ओ नहीं बेबी, अम्मी का सब कुछ भाई, बच्चे हर जगह के एक जैसे ही होते, कहां चढ़िए दोनों फिर से रह गए, कविता कहीं गायब हो गई है, कविता यार इतना बड़ा सुपर स्टोर है, कविता कहाँ है, नो अरे दे दे भाई, नो इट्स ओके, नो इट्स ओके, इट्स ओके, मैं तो हम पीले तो हाँ ठीक है, और फिर खाली बोतल का बिल करा लो, ठीक है खाली बोतल का बिल करा लो, चॉकलेट रैपर का बिल करा लो, ओके। अपन कौन सी दुनिया में थे जो हमें ये बात नहीं पता थे, मैंने इसलिए मुझे लगा मारेंगे अगर पी गया, मुझे तो नहीं पता था ये बात, मुझे नहीं पता था, अगर ऐसा करके देखूंगा।